नमस्कार रेप्टी लाइव में आपके साथ में हूँ सिमरन कौर। इस समय पर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना बहुत ज़रूरी है तकलीफों में राहत पाने के लिए। मौत के आखिरी समय पर अगर वक्त का जगा हुआ का नाम याद आ जाए तो प्रभु आ जाएंगे, करेंगे तुरंत मदद। कलयुग के जगाए हुए जय गुरुदेव नाम में पूरी शक्ति है, परीक्षा लेकर देख लो। लोगों के दुख से दुखी होकर तकलीफ परेशानियों में आराम पाने का सरल रास्ता बताने वाले इस समय के पूरे पहुँचे हुए महात्मा उज्जैन वाले परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 5 जनवरी 2022 को उज्जैन मध्य प्रदेश दिए व YouTube चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि अंत समय में प्रभु का नाम मुंह में जल्दी आता ही नहीं है। मृत्यु की भयानक पीड़ा के समय कोई मददगार नहीं होता, नाती पोता घर परिवार डॉक्टर रिश्तेदार सब खड़े रहते हैं, कोई काम नहीं आता। इसलिए सभी लोग इस समय के प्रभु के जगाए हुए पूरे पावर वाले नाम जय गुरुदेव को रट लो, नाम ध्वनि को रट लो, रटा दो ताकि अंत समय में मुंह से निकले और मदद हो जाए। महाराज जी ने बताया कि काल वो है जो किसी को नहीं छोड़े, जो सबको अपने गाल में ले ले, आज तक कोई भी उसके गाल से बच नहीं पाया। मरने वाले के कान में जब 10 बार जय गुरुदेव नाम बोले तो मरने वाला बताया कि जय गुरुदेव जी आ गए, उनको देख करके यमराज के दूत भाग गए। इसलिए बचाव के लिए बराबर जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलो और बुलवाओ। अगर बच्चों को तरीके से बुलवाओगे तो जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने लग जाएंगे। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव देखो बोलने की आदत अगर नहीं डालोगे तो मुझसे जल्दी नहीं निकलेगा। है ना गोस्वामी ने कोटि कोटि मुनि यत्न करा है और अंत नाम मुख आवत न है। आखिरी वक्त पर किसको पुकारता है आदमी? बच्चे को, बहू को, नाती पोता को, जिसको पुकारता रहता है, आदत जिसकी बनी रहती है। तो ये कोई काम आते हैं आखिरी वक्त पर मरते समय? जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, सब ऐसे टकर 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 देखते रहते हैं, इसे कुछ नहीं कर सकते। कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो वो भी फेल हो जाता है, कहता दो दो इंजेक्शन दे दिया, नींद की गोली बहुत ज्यादा पावर की दे दिया, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है इनको, दर्द ही नहीं जा रहा है, या तो चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जब अंदर से पीड़ा उठती है तब कोई मददगार नहीं होता। कहते ना आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसो काल कराए, छोड़ता नहीं किसी को। काल किसको कहते हैं? जो किसी को न छोड़े, सबको अपने गाल में ले ले, उसको कहते हैं काल। आज तक कोई भी उसके गाल से बच नहीं पाया। तो आखिरी वक्त पर अगर नाम याद आ जाए तो प्रभु आ जाएंगे। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, मरते आदमी के कान में बोले 10 बार जय गुरुदेव, मरने वाले आदमी ने आँख खोल दिया और कहा कि वो यमराज के दूत जो मोटर हथौड़ी लेकर के आए थे, झुलसा रहे थे, मर रहे थे, निकाल रहे थे इस शरीर से आत्मा को, जय गुरुदेव नाम बोलते ही वो सब हट गए। गुरु महाराज को किसी ने बताया कि बाबा जी आ गए और बाबा जी को देख करके ही वो यमराज के दो रफू चक्कर हो गए, भागे तेजी से। तो आप समझो कि आखिरी वक्त पर नाम याद नहीं आता है, ऐसे जल्दी आपको याद नहीं आएगा। यहाँ तो सुन के जाओगे लेकिन बोलोगे नहीं। अब देखो प्रेमियों, अभी आपके गाँव में किसी को कोई तकलीफ हो जाए, किसी के घर में अगर कोई रोने लग जाए तो अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ते हो, क्या बात हो गई, कोई बीमार हो गया तो कंधे पर लाद करके ले जाओगे उसके बच्चे को, अगर कमजोर है नहीं ले जा सकता है, दवा कराओगे। यह गांव की एक मर्यादा बनी हुई है। दरवाजे पर कोई आ जाए रोटी खिला दो, भूखा जाए रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, एक दूसरे की मदद लोग गाँव में अब भी ज्यादा करते हैं शहरों की अपेक्षा। शहरों में तो कोई कुछ भी हो कोई ध्यान ही नहीं देता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं अगर कोई रोने चिल्लाने लगता है, कौन झंझट में पड़ने। लेकिन गाँव में अभी ये बात है आपके, तो देखो जो आप सत्संगी हो आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलता होगा, तभी तो आप
गुरु महाराज के नाम पर आते जाते हो, उज्जैन आश्रम पर भी आते हो, सत्संगों में भी आते हो, विश्वास है आपको, ऐसे इनको विश्वास दिलाने के लिए इनके घरों में आप जा जा करके नाम धुनी एक एक दिन करवाओ सबको। बच्चियां जो बैठी हो, माताएं जो बैठी हो, आप उनको बैठाओ अलग से, और पुरुष लोग आप जो बैठे हो पुरुषों को बैठाओ, और नाम धुनी इनको रटवाओ, याद कराओ। जब बोलने लग जाएंगे तब अपने आप मुंह से निकलेगा, अजपा जाप जिसको कहते हैं, वो अपने आप मुंह से निकलने लगता है। देखो ये बच्चे जब कोई प्रार्थना याद कर लेते हैं तो ऐसे यानी चलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, इसको जाते हैं तो बोलते जाते हैं, ऐसे मुंह से निकलता जाता है। कोई भी कोई चीज याद कर ले, फिल्मी गाना याद कर ले, तो फिर वो भी मुंह से ऐसे बोलता चला जाएगा। ऐसे ही रट जाती है जो चीज। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि यह समझो कि जरूरी है।